नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। वक्त हो चला है बिहार फटाफट की खबरों का, तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। बिहार एमएलसी चुनाव पर बैठक खत्म, बीजेपी जेडीयू की सीटों के बंटवारे पर मसला सुलझा। तारकिशोर प्रसाद बोले, जल्द करेंगे ऐलान। असहमति बन गई, उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिनों का कोल्ड डे अलर्ट। 16 जिलों में न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री से नीचे। बिहार में सरकारी शिक्षक अब खोजेंगे शराबी। शिक्षा विभाग के फैसले पर मचा सियासी घमासान। सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूचना उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को देंगे। नालंदा में सड़क पर माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 1200 घरों के बाहर चिपकाया गया अतिक्रमण का नोटिस। विरोध कर रहे हैं लोग। सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी पर लेकर के सीएम नीतीश ने किया समीक्षा बैठक। इसमें रिपोर्ट लेने के बाद आगे की रणनीति होगी तय। भागलपुर में युवक को मिली छेड़खानी करने की सजा। युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर कलाई पर उस महिला से राखी बंधवाई। लड़के ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। शारदा सिन्हा ने लिखा पोस्ट। शिक्षा विभाग ने पेंशन के लिए जारी किए तुरंत रुपए। 401 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खाते में सोमवार मंगलवार तक पहुंच जाएंगे। बिहार बंद में तेज प्रताप घर बैठे जारी करते रहे बयान। जेडीयू ने की इस पोस्ट पर चुटकी। जेडीयू स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जगह नहीं मिलने पर बोले आरसीपी सिंह, क्या ये लोग सक्षम है? साथ ही कहा जेडीयू नेता ने दावा किया कि बिहार में एनडीए एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। स्क्रैप नीति को बिहार कैबिनेट की मुहर। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 फैसलों पर मंजूरी मिली। सरकारी शिक्षक पर शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी पर उठा विवाद। शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, बोले कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। शराबबंदी है तो शराबबंदी, शराब पीना गलत चीज है। अगर शिक्षा के मंदिर से इस बात को फैलाया जाता है तो इसमें कौन नई बात है? हम तो कह रहे हैं ये तो सरकार की, पूरे सरकार के तरफ से बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है कई बार। आज के बिहार फटाफट की खबरों में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।